घने जंगलों के बीच जमुई जाने वाली मुख्य सड़क से करीब 10 किलोमीटर जंगल के अंदर स्थित भीम बांध में सुंदर मनोहर पहाड़ियां मन को छू लेने वाली प्राकृतिक वादियां हैं। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर व मुंगेर के खड़गपुर सीमाओं के बीच बसा हुआ भीम बांध का नाम कौन नहीं जानता। सभी यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए अपने पिकनिक के लिए आते हैं। न केवल जमुई व मुंगेर बल्कि आसपास के कई जिले के लोगों के लिए तो ये एकदम अच्छा और बेहतरीन केंद्र माना जाता है उनके पिकनिक स्पॉट के लिए। खासकर जाड़े के मौसम में दोस्तों के साथ आउटिंग वाली बात हो तो सब यहाँ आना बड़ा पसंद करते हैं। और बिहार का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है पिकनिक और आउटिंग के लिए। कहते हैं जैसे जैसे पूस की ठंड बढ़ती है वैसे वैसे भीमबांध में पर्यटक के प्रति लोगों का खासकर युवाओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि लोग यहां पर अपने स्पॉट को जो है बहुत ही मजेदार बनाने के लिए आते हैं। भीमबांध में गर्म और ठंडे जल के दो प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि ठंड के मौसम में भी देश विदेश से यहाँ पर लोग इन पिकनिक स्पॉट्स में आते हैं और यहाँ के गर्म और ठंडे पानी के स्रोत में नहा के जाते हैं। और आपको बता दें आपकी छुट्टियाँ अगर जो हैं तो आप इस पिकनिक स्पॉट में घूमने के लिए आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस एक तरफ ठंडे और एक तरफ गर्म जल के स्रोत को थोड़ी सी और आगे जाते हुए अगर जो आप देखेंगे तो बीच में ये जो जल स्रोत आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलकर गुनगुना पानी हो जाता है। और आपको सच बताऊं तो इस गुनगुने पानी में नहाने का जो मजा आता है ना, वो आपके मतलब आपके गीजर के पानी से बहुत आनंदित होता है। कुछ टूरिस्ट अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर के आते हैं और पत्थर का चूल्हा बना के एकदम प्रकृति से जुड़े हुए अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खाते हैं, मजे लेते हैं और इस सुंदरता का आनंद उठाते हैं। वैसे कहा जाता है कि भीमबांध के पीछे महाभारत की पौराणिक एक कथा जुड़ी हुई है। किंवदंती है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे तब उस दौरान इस जंगल में भी आए थे और अपनी जीविका के लिए भीम ने दो स्रोतों को मिलाने के लिए इस बांध को बनाया था और इसी कारण इसका नाम भीम बांध पड़ गया। वन्य एवं पर्यावरण विभाग नियुक्त जंगल में पाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण जीव जंतुओं के कारण इसको वन्य अभयारण्य के दर्जे में रख दिया गया। वहीं इन्हीं सब के कारण भीम बांध युवाओं के लिए एक अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भीम बांध में कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ियां भी मिलती हैं। भीम बांध के आसपास और घूमने के लिए सभी प्राकृतिक स्थल एकदम परफेक्ट है। भीम बांध में प्रवेश करने के लिए आपको वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों को जंगल में ज्यादा अंदर अकेले घूमने की इजाजत नहीं दी जाती। काफी सारे जंगली जानवर हैं इस वजह से शायद इस पर थोड़ी सी रोक लगाई गई है, लेकिन भीम बांध में पर्यटन सुबह से लेकर शाम तक घूम सकते हैं आसानी से, लेकिन देर रात तक जंगल के अंदर नहीं रुक सकते। ये एकदम परफेक्ट प्लेस है अगर जो आप आउटिंग पर निकलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं और आप अपने ट्रैवल को और ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं। अगर जो आप बिहार एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली ये चीज़ तो आप ज़रूर विजिट करिए। भीम बांध एकदम बेस्ट और बेहतरीन प्लेस है एग्जैक्टली। और इस बात हम बोलना चाहते हैं, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऑन द वे से आने वाली वीडियोस आप सभी तक पहुंच सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, ख्याल रखिए अपना और